अमेठी से। अमेठी जो कांग्रेस का कभी गढ़ माना जाता था, इस गढ़ को पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने इस गढ़ को ढहाया था और एक बार फिर से यहाँ पे नॉमिनेशन फाइल करने से पहले स्मृति ईरानी का ये रोड शो, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पहुँचे हैं और रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश की जा रही है। बड़ी संख्या में यहाँ पे कार्यकर्ताओं का हुजूम और लोगों का जनसैलाब उमड़ा है। तेज धूप है लेकिन इसके बावजूद लोगों का जनसैलाब। अरुण गुप्ता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। अरुण गुप्ता, यहाँ पे रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन भी करने की कोशिश यहाँ पे स्मृति ईरानी के नामांकन से पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचे हैं और एक बड़ा संदेश देने की कोशिश, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि अब राहुल गांधी यहां से एक बार फिर ताल ठो सकते हैं। अरुण गुप्ता, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? रैली को लेकर जो है निकल चुके हैं। भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं का समूह वहां पर लगा हुआ है। रोड शो में चारों तरफ स्मृति ईरानी के हाथ देखिए जा रहे हैं और मोहन यादव भी जो है उसके साथ है और तमाम नेता उनके साथ मौजूद है। इस रोड शो से और भीड़ में लगता है भाजपा काफी जरूर तैयारी करके हुई जरूरी है और वहाँ पर भाजपा कार्यकर्ताओं के जवाब देखने को मिल गया है। काफी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता आज के नामांकन को लेकर जो है काफी उत्साहित है। युवा में उत्साह है, युवा भी इस रोड में भारी संख्या में पहुंची है और बहुत सी महिलाएं भी काफी देखने को मिल रही है। कई कार्यक्रम आज किए जा रहे हैं, लोगों का हुजूम ऊपर पड़ा है जी। बिल्कुल यहाँ पे अरुण, हालांकि आपकी आवाज पूरी तरीके से साफ नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि जाहिर सी बात है नेटवर्क का इश्यू होगा जिस तरीके से जनसैलाब यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन अरुण, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो शक्ति प्रदर्शन के जरिए एक संदेश देने की भी कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है, लेकिन अब खबरें ये भी आ रही है सूत्रों के हवाले से कि राहुल गांधी भी एक बार फिर से यहाँ पे चुनौती देते हुए नजर आ सकते हैं। उसके बाद का सियासी समीकरण आप किस तरीके से देखते हैं? तो संपर्क नहीं हो पा रहा है। ये फिलहाल ही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का ये वही अमेठी है जब कभी कांग्रेस का ये मजबूत किला माना जाता था। गांधी परिवार की कई पीढ़ियां यहीं से चुनाव लड़ती आई हैं, लेकिन साल 2019 में स्मृति ईरानी ने कड़ी शिकस्त राहुल गांधी को दी थी। उसके बाद से राहुल गांधी वायनाड से भी उन्होंने हालांकि चुनाव लड़ा था क्योंकि शायद उन्हें अंदेशा था पहले से, और अभी फिलहाल आपको बता दें कि वायनाड से एक बार फिर राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पे वोटिंग हो चुकी है। लेकिन इसी बीच खबर ये भी आ रही है कि रायबरेली और अमेठी जो कांग्रेस के लिए अहम नहीं दोनों सीट मानी जाती है, यहाँ से प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी एक बार फिर से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर संशय बरकरार है। अगर प्रियंका गांधी वाड्रा लड़ती है तो ये फुल फ्लैज पॉलिटिक्स में डेब्यू होगा प्रियंका गांधी वाड्रा का, और लेकिन राहुल गांधी को लेकर कहीं ना कहीं चर्चाओं का बाजार गर्म है क्योंकि जिस गेस्ट हाउस में अक्सर राहुल गांधी और गांधी परिवार ठहरा करता है वहाँ पर क्लीनिंग की जा रही है और वहाँ पर कार्यकर्ताओं का पहुँचने का सिलसिला जारी है। इसी बीच चर्चाओं का बाजार गर्म है राहुल गांधी को लेकर। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हाथों में पीएम नरेंद्र मोदी का कटआउट लिए हुए और कमल का निशान, क्योंकि बीजेपी का ये कहना होता है कि हम कमल के निशान को लेकर ही आगे बढ़ते हैं।
कार्यकर्ता का और कैंडिडेट का इतना अहम नहीं होता है किरदार, क्योंकि हमेशा से ही कमल के चिन्ह को लेकर, निशान को लेकर ही वो चुनावी मैदान में उतरते हैं। तो देखिए यहाँ पे हाथों में कमल के चिन्ह का वो निशान और पार्टी का झंडा और पीएम मोदी का कटआउट, बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का हुजूम, खूब नारेबाजी की जा रही है। और स्मृति ईरानी के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी यहाँ पे लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, क्योंकि यादव बड़ी संख्या में यूपी और बिहार में रहते हैं और यही समीकरण साधने की कोशिश की गई थी जब डॉक्टर मोहन यादव का नाम आगे किया गया था। तो सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम है। आज स्मृति ईरानी नॉमिनेशन फाइल करेंगी और उससे पहले बाकायदा रोड शो किया जा रहा है, एक संदेश देने की भी कोशिश की जा रही है। स्मृति ईरानी के साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद हैं और अमेठी का रन और ज्यादा अब दिलचस्प और रोचक हो चला है। कहा जा रहा है कि एक या दो दिनों में जल्द से जल्द ये कांग्रेस की तरफ से टिकट डिक्लेयर किया जाएगा, नाम घोषित किया जाएगा। पे नारेबाजी हो रही है। देखिए साथ में विक्ट्री का साइन दिखाते हुए एक बार फिर से जीत का दावा पहले से ही किया जा रहा है। एक बार फिर से स्मृति ईरानी अमेठी से ताल ठोकते हुए नजर आ रही है। इस सीट पर आपको बता दें कि 2019 में 55,000 वोट, एक बड़ा मार्जिन से यहाँ पे राहुल गांधी को शिकस्त स्मृति ईरानी ने दी थी। स्मृति ईरानी बीजेपी की तरफ से तीसरी बार उम्मीदवार बनाई गई है। पहली बार स्मृति ईरानी ने को हार का सामना करना पड़ा था। सेकंड टाइम में 55,000 से ज़्यादा वोटों से राहुल गांधी को करारी शिकस्त दी थी और आज यहाँ पर देखिए तीसरी बार ताल ठोकने से पहले, बाकायदा नॉमिनेशन फाइल करने से पहले यहाँ पे रोड शो करते हुए नजर आ रही हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं।